नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा, और वो है अफ़गानिस्तान बरसर इख्तदार तालिबान और तालिबान की तरक्यात और महाजरीन जो ईरान और पाकिस्तान से लौट कर के आ रहे हैं। इसको लेकर के एक लगातार एक रिपोर्ट सामने आई थी हालिया दिनों में, जिसको वॉइस ऑफ अमेरिका ने अयाज़ गिल के हवाले से शाये किया था। उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे हकायक मेरे सामने आई तो सोचा कि आपके सामने रखूँ। लिखा गया है कि अफगानिस्तान में बरसर इख्तदार तालिबान की अबूरी हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान से अफगान महाजरीन की मुसलसल आमद का सिलसिला जारी है और यौमिया लगभग 2000 अफराद वापस अपने मुल्क आ रहे हैं। अफगान तालिबान ने दोनों ममालिक से वापस आने वाले महाजरीन की उनके आबाई अजला में दोबारा आबादकारी और मुआवनत के लिए कमीशन कायम कर दिया है। इस कमीशन के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी का कहना था कि अफगानिस्तान के दोनों पड़ोसी ममालिक ने 2024 में लगभग 4 लाख अफगान महाजरीन को जबरदस्ती मुल्क बद्र करके अफगानिस्तान भेजा है। इनके बकौल इस मुल्क बद्री में 75% के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। कारी यूसुफ अहमदी ने दावा किया कि वापस आने वालों की भरपूर मदद की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए इजाफी सहूलियात फराहम की जा सके। दूसरी जानिब अक़वामे मुत्तहिदा ने पीर को मुतनब्बह किया कि अफगानिस्तान में इंसानी और माशी हालात की खराबी के सबब चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब तालिबान के इख्तदार को 3 बरस मुकम्मल होने वाले हैं, जबकि तालिबान के बरसरे इख्तदार आने के बाद गैर मुल्की इमदाद भी इंतहाई कम हो चुकी है। तालिबान पाकिस्तान और ईरान से अफगान महाजरीन की मुलबदरी की मजम्मत करते रहे हैं। उनकी जानिब से जोर दिया जाता रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए बैनुल अक़वामी कानून के तहत बेहतर अहम आहंगी की जरूरत है। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से दावा किया जाता रहा है कि वो सिर्फ उन अफगान महाजरीन को वापस भेजें जिनके पास दस्तावेजात नहीं हैं और वो उन कवानीन पर अमल कर रहे हैं जिन पर दुनिया के दीगर ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारे अमल करते हैं। इस्लामाबाद ने इब्तिदा में बाजाब्ता तौर पर गैर मुल्की अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया था, जिनके पास पाकिस्तान में क़याम के लिए कानूनी दस्तावेजात नहीं थी, उनमें अफगान महाजरीन भी शामिल थे। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में निगरान हुकूमत के दौर में एक इकदाम ऐसे वक्त में किया गया जब मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा था और उसका इल्ज़ाम गैर कानूनी तारिकी ने वतन पर आयद किया जा रहा था। इस दौरान पाकिस्तान से लगभग 6 लाख अफगान महाजरीन वापस अपने मुल्क गए, जिनके बारे में पाकिस्तानी हुकाम दावा कर रहे हैं कि उनमें 95% रजाकाराना तौर पर वापस अपने मुल्क गए हैं। पाकिस्तानी हुकाम मुसलसल दावा करते रहे कि उनके क्रैकडाउन में उन 14 लाख अफगान महाजरीन को निशाना नहीं बनाया जा रहा जो कानूनी तरीके से महाजरीन के ऐसे से पाकिस्तान में आबाद है। अक़वामे मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक जनवरी 2023 के बाद से पाकिस्तान और ईरान से लगभग 15 लाख अफगान महाजरीन अपने मुल्क वापस गए, जिनमें रजाकाराना तौर पर वापस जाने वाले महाजरीन भी शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने पीर को एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान की आधी से ज़्यादा यानी 2 करोड़ 70 लाख आबादी को इमदाद की जरूरत है। इस आबादी में 92 लाख बच्चे भी शामिल हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के इमदादी इदारों ने 2024 में मुल्क में इमदादी सरगर्मियों के लिए 1 अरब डॉलर के अतियात की अपील की थी, लेकिन इस अपील पर रवां बरस के 6 माह में सिर्फ 20% इमदाद ही जमा हो सकी। नाज़रीन याद रहे कि अफगानिस्तान में लगभग 48% आबादी खते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाकदीन के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए अतियात में कमी की वजूहत में तालिबान के दीगर इकदाम के साथ साथ खवातीन के रोज़गार और लड़कियों के तालीम के हुसूल पर पाबंदी भी शामिल है। अफगानिस्तान में बरसर इख्तदार तालिबान ने 6ठी क्लास से आगे लड़कियों की तालीम के हुसूल और मुख्तलिफ सरकारी और निजी शोबाजारी में खवातीन के काम करने पर मखसूस पाबंदी आयद की हुई है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये अंदरूनी चैलेंजेस है और बहुत सारी चीज़ें। ऐसे में जब दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान की जानिब नहीं जा रही, एक तरफ तस्वीर है जिसमें अफगानिस्तान लगातार तरक्यात की जानिब जा रहा है, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से जंग ज़दा ये मुल्क कैसे अचानक तरक्यात पर आ सकता है? तो जाहिर सी बात है, ख़ते गुरबत से नीचे जीने का मतलब ये है, ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा फ़ीसद सुबह को रोटी अगर दरकार है तो शाम को खाना नहीं। ख़ते गुरबत का यही मतलब होता है नीचे ज़िंदगी गुजारने का, या फिर जिसके घर में बहुत सारे लोग खाने वाले हों और कमाई का सिर्फ एक ही ज़रिया, एक ही मजदूर,
ये सूरत हाल है अफगानिस्तान के। नाज़रीन गिरामी, बहकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अत हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।